अगर आंखों पर पट्टी बांधी जाए तो थोड़ी दूर चल पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक लड़की ने आंख नहीं होने के बावजूद भी यूपीएससी का सफर तय किया और देश की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस बन गई। कोई जिद्दी लड़की ही होगी ना ऐसी, क्योंकि अगर उसकी जगह कोई और इंसान होता तो पूरी जिंदगी सिर्फ अंधा बनकर गुजार देता। वो जिद्दी लड़की और कोई नहीं, महाराष्ट्र के उल्लास नगर की प्रांजल पाटिल है, जिसको रेलवे ने नौकरी देने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उसकी आंखें नहीं थी। और आज वही लड़की तिरुवनंतपुरम में आईएएस के पद पर कार्यरत है। ये सब उसकी जिद और अंदर चलने वाले उस तूफान का ही नतीजा है जो हर परेशानी को उखाड़ कर फेंक देता है। क्योंकि प्रॉब्लम्स की वजह से बहाने लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन अंदर एक तूफान चाहिए होता है प्रॉब्लम्स को लात मार के कुछ बड़ा करने के लिए। ऐसी ही एक कहानी है हरियाणा के अजीत कुमार की। 5 साल की उम्र में इस बंदे को डायरिया हो गया और इस वजह से उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। लेकिन कहते हैं ना कि इरादे पक्के और अंदर एक जिद हो तो इंसान किसी भी कीमत पर मंजिल तक पहुंच ही जाता है। इस बंदे ने आंखें नहीं होने के बावजूद भी अच्छी रैंक से यूपीएससी की एग्जाम पास की। लेकिन आंखों की वजह से इस बंदे को सिविल सेवा में कोई पद ना देकर रेलवे में अधिकारी का पद ऑफर किया गया, लेकिन उस बंदे ने उसे ठुकरा दिया। क्योंकि जिस बंदे के अंदर एक तूफान उठ चुका हो, जिसने जिद पाल रखी हो कि साला आईएएस बनना है तो बनना है, ऐसे बंदे को रोक पाना बहुत मुश्किल है। उस बंदे ने अच्छी रैंक होने के बावजूद भी सिविल सेवा में पद नहीं मिलने की वजह से अधिकारियों पर ही केस फाइल कर दिया। 2 साल तक केस चला और फाइनली उस बंदे ने केस जीत लिया और उसे आईएएस का पद ऑफर किया गया। ये होते हैं जिद्दी इंसान, जिनकी आंखों से ऊपर वाले ने भले ही रंग छीन लिए हों, लेकिन इन्होंने अपनी जिद की बदौलत जिंदगी में फिर से रंग भर दिए। जहाँ पर लोग सब कुछ सलामत होने के बावजूद भी हार मान लेते हैं, वहीं पर ऐसे जिद्दी लोग अपनी सफलता के झंडे गाड़ते हैं। एक लड़का जिसके पास पढ़ाई करने के लिए भी पैसे नहीं थे, उसकी पढ़ाई के लिए उसके माँ बाप ने अपना घर बेच दिया और खुद रेंट से रहने लगे। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा ये खर्चा नहीं इन्वेस्टमेंट है तेरे ऊपर, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तुझे देना है। उस लड़के ने अपने सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत की कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर कर दिया और बन गया आईएएस प्रदीप सिंह। यार औकात से बड़ा करने के लिए औकात से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा ही एक लड़का जिसके अब्बू रिक्शा चलाते थे, गरीबी का आलम कुछ ऐसा था कि उस बंदे के पास बुक्स खरीदने तक के पैसे नहीं थे। इसके बावजूद जब तुम बहानों की लिस्ट बना रहे थे, वो लड़का इंडिया का यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बन गया, मिस्टर अंसार शेख। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये तो कन्फर्म है कि आप किसी रईस खानदान से बिलोंग नहीं करते हैं। आप में से किसी के पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते होंगे तो किसी के प्राइवेट जॉब करते होंगे, किसी के पिताजी शॉपकीपर होंगे तो किसी के पिताजी मजदूर भी होंगे। आपकी कंडीशन जैसी भी हो, चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या एक पुअर फैमिली से, अगर गवर्नमेंट जॉब लगनी है, चाहे कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, मेरे दोस्त पढ़ना तो पड़ेगा। अपने माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू देखने हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये लोग अलग नहीं थे, इनकी तरह बनने के लिए आपको भी अपने अंदर एक जिद, एक तूफान उठाना पड़ेगा। आपको जरूरत पैदा करनी पड़ेगी, इसलिए अपने अंदर के पढ़ाकू इंसान को जगाओ और बहानों को साइड करके लग जाओ अपनी पढ़ाई में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए इस मोटिवेशनल विंग्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।